सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे दिव्य शक्तियों में बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा है, मुझे दिव्य शक्तियों के बारे में बताइए कि कैसे काम करती है हनुमान जी की शक्ति, शिव जी की शक्ति। वो सर वो कुछ नहीं, उसका कोई तर्क नहीं, वो समझ गया सर। नहीं फिर आप आपने आके बोला ना कि बाबा पहुंचे हुए भी होते हैं, कुछ सभी पाखंडी हाँ, होते हैं। देखो सब पाखंडी नहीं होते, कुछ सृष्टि के नियम को तोड़ देते हैं, वो निकल जाते हैं मैट्रिक्स से और वो बन जाते हैं अच्छा, और कोई बाबा और प्रकृति क्या के नियम तोड़ देते हैं। ये। हाँ हो सकता है, हो सकता है, आपने देखा है? मैं लगा हाँ अंदाज में सही जा रहा है, बिल्कुल हो सकता हो सकता नहीं, आपने कभी देखा है, महसूस किया है? महसूस। अच्छा आपने बताइए कभी सर, किसी अरे से देखा है कि किसी ने इस सृष्टि के नियम को तोड़ के उसके परे चले गए हैं? ऐसे कोई बाबा जी को आपका साक्षात अनुभव हुआ है? मैंने बाबा को नहीं देखा है, कि एक लड़के को देखा था कहीं, क्या कर रहा था उसकी वो? एज 16 थी, उसकी एज 16 थी, उसका नाम रॉलिन रॉलिन ऐसा कुछ नाम था उसका। हाँ हाँ याद आ गया, आप मिले थे फिल्म का नाम उसको? मैट्रिक्स था, फिल्म का नाम मैट्रिक्स था। फिल्म में हर चीज होती है, तो आप फिर अरे एवेंजर्स को भी फिल्म सच हमने मानते होंगे। डॉक्टर साहब मुझे एक फिल्म याद आ गई, मुझे एक फिल्म याद आ गई थी, बाल हनुमान। तो उस फिल्म में हनुमान जी उड़ते हैं जमीन से और वो सूरज के पास जाते हैं, जाते हैं जाते हैं, धीरे धीरे बड़ा 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 मुंह करके ना सूरज को खा जाते हैं। किंग साहब आप क्या कहेंगे उस पे? अच्छा आप क्या पूछना चाहेंगे, कि वो सूरज के मुंह में कैसे घुसा? फ्लेक्सिबल हाँ है इसलिए, उसका फ्लेक्सिबल उनका है। मुंह फ्लेक्सिबल। अच्छा फ्लेक्सिबल है, सूरज का मुंह फ्लेक्सिबल है, कितना अच्छा। वैसे साइज क्या रहा होगा उसका, डायमीटर क्या रहा होगा मुंह खोलने का? अरे रुक जाओ, वेट 2 मिनट। गूगल करोगे? मैं गूगल क्यों करूंगा, मेरा ये गूगल करने के चक्कर में हट गया था। नहीं इतना तो मैं जानता हूँ, भगवान अगर चेंज की ना होती तो उनके नाम से हमें अच्छा फील कैसे हो जाता है, हाउ कैन पॉसिबल। हाँ भाई जय भीम, आप जितने पैनल पे बैठे हैं, जितने देखने वाले सभी को जय भीम। हाँ हाँ भाई भैया, जय भीम अभी, हर हर महादेव, दया थी लाम, हर हर महादेव, महाशिवरात्रि की शुभकामना आपको भैया। जय भीम महाशिवरात्रि, सर जय जय महाशिवरात्रि। जय महाशिव। और देखो भाई, आज आज भोलेनाथ का दिन है भैया, यहाँ सिर्फ भोलेनाथ का बात होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे भाई, समझे? यस हाँ, आज यस, महाशिवरात्रि, जय भोलेनाथ, आज महाशिवरात्रि है, आप और मैं, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, आज भोलेनाथ, आप और आप मैं, भी आप, जय भोले, और जोर से एक जय बार, भोलेनाथ, हाँ जय वेरी गुड, भोलेनाथ। बस बस वहीं रुकना, थैंक बस आज यही बात यू थैंक करना। यू, हाँ सर, ओके मेरा सर, स्क्रीन शेयर कर दो भैया, सर जी ह्यूमन प्यारा भैया। हाँ भाई देखिए किंग भाई सुनो, आज सिर्फ भगवान शंकर के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही होंगी भाई, इसके अलावा और कोई नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है? तो भैया मैं भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4 अध्याय 17 से कह रहा हूं भाई, थोड़ा सा अपना अपना हाथ जोड़ लो भाई, क्योंकि ये जोड़ लिया। भगवान, हाँ जी भगवान शिव की कथा कहने वाला हूं भैया। ऐसा हुआ कि कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे, सतयुग का वक्त था भाई, बहुत बहुत ही उस समय सारी के सारे लोग जो है वो जो धर्म कर्म के काम में लगे रहते थे भैया, और भगवान अत्रि मुनि घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मगन रहते थे। तभी वहां पर ब्रह्मा विष्णु व महेश नॉटी बॉयज अपनी अपनी सवारी में बैठ के पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। तीनों देवता पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और भगवान अत्रि मुनि से कहे। इन बातों को सुन के मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने परमात्मा के ध्यान में फिर तल्लीन हो गए। उनके भाव को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। लिंग अपनी कहा हो गया भाई हेलो को? हेलो, लिंग, अरे हाँ हाँ अरे भाई, भगवान बोलिए। शंकर के कथा में बीच में कहीं रुकावट ना आ जाए यार, देखना थोड़ा नो पीछे संभाल के रखो पीछे। नो, हर हर महादेव। लिंग अपनी उपेस्थेंद्री को हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्रो महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी काम के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर उनके वश में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए। और भगवान शंकर ने कहा,
रति देही मदा घोर ने, हे मस्ताखो वाली अनसुईया, अपने साथ मुझे रति करने दे, वरना हम प्राण छोड़ देंगे तेरे सिर पर, हत्या देते। पतिव्रता अनसुईया उनकी इन अशुभ वचनों को सुन के कुछ न बोली, तीनों के प्रति बड़ी क्रोधित हो गई। लेकिन भगवान शंकर लगातार कहे जा रहे थे, रति देही मदा घोर ने अनसुईया। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भैया है नहीं भैया, नहीं 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 भैया, कैसा नहीं यार, हम आके हर हर महादेव भी बोले थे। भविष्य पुराण प्रतिसर खंड 4:17 में कहानी आई है भैया, ऐसे थोड़ी ना कोई बना देगा। मैं किसी को बनाने दूंगा क्या? मैं भोलेनाथ का भक्त, आपको लगता है किसी को बनाने दे दूंगा? तुम्हारी टेंज प्लानिंग है, हमारी मानने नहीं है भैया, प्लानिंग सच्ची में नहीं है भैया। ये देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखो भाई, यार ये डॉक्टर श्री राम आर्य लिखे हैं भाई, पूरा उन्होंने संकलन किया है यार। ये देखो यार, ये भी दिखा दिया आपको मैं, ये देखो अमर स्वामी प्रकाशन विभाग। हाँ अरे आपके सामने कोई नहीं लिखा होगा। नहीं नहीं भैया, ये तो छपती है कहानी, ये देखो, ये जो अंकल है ना, इनको ही सलाम कर दो, नमस्ते कर दो, डॉक्टर श्री राम आर्य हैं भाई, खंडन मंडन साहित्य के प्रणेता। भगवान शंकर लिंग अपने हाथ में लेके अनसुईया के सामने कह रहे हैं, रति देही मदा घोर ने। अच्छा शिवलिंग, शिवलिंग, शिवलिंग नहीं, भगवान शंकर अपना लिंग भाई लेके अनसुईया के सामने कह रहे हैं, वो किंग भाई आप क्या मतलब क्या कह रहे हैं कि मतलब शिवलिंग को हाथ में ले रखा उन्होंने, ना कि लिंग को हाथ में ले रखा है। शिवलिंग शिवलिंग क्या यहाँ पे कुछ लेगा नहीं, सब बना रहे हो तुम बातें, मैं समझता हूँ ये अमित तिवारी भाई है ना, ये बेचारे की बेइज्जती कर रहा था यूट्यूब पे। अरे भाई तो बहुत नहीं भैया, कभी नहीं किया यार, कभी नहीं प्यारा भैया, कभी किसी का नहीं किया यार, ये काम अच्छा कर तो कोई अभी नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं, हर हर महादेव भाई। नहीं नहीं मैं जानता हूँ, नास्तिक हो। अच्छा सुन, नहीं भैया मैं महादेव का भक्त हूँ भाई, मेरे को नास्तिक मत बनाओ। ये देखो सुनो, अंधक दैत्य एक और कहानी सुना देता हूँ भैया। महाशिवरात्रि का दिन है यार, इतने पावन दिन में, वाह, मैं भगवान शंकर की भक्ति ना मेरे रोम रोम में चढ़ गई है भाई। सुनो, अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेके विष्णु ने मार डाला। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली, अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ, शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए। यह कहानी रुद्र पुराण, यह कहानी शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आडी ने शिव जी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वह शिव जी के यहाँ गया, पार्वती वहां पर नहीं थी, उसने पार्वती का वेश बना लिया। परंतु बातचीत से शिव जी को पता चल गया, यार परमात्मा है ना, सबसे बड़े देवता हैं, महादेव हैं, उनको पता चल गया ये पार्वती नहीं आडी है। तभी भोलेनाथ इतने नाराज हुए कि अपने लिंग पे, अपनी शिशनेन्द्री पे वज्र रखा और जो आडी है उसके साथ में गुदा मैथुन किया। ये है भैया भोलेनाथ। ये देखो ये कहानी आई है सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155, मत्स्य पुराण अध्याय 155। शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्री लिंग पर वज्र रखे, उसे दैत्य पुत्र आडी के साथ संभोग किया, इस कारण मर गया। ये तो महादेव कर सकते हैं भाई, इसी से पता चलता है कि कितने बड़े देव हैं, देवों के देव है महादेव। नहीं वो रियल क्या नहीं है, तुम भी जानते हो, सब जानते, नकली नहीं है, भगवान शंकर किए हैं। ना ना ना, ये मैं आपको अपमान भगवान शंकर का नहीं करने दूंगा, ठीक है। मैं भी भोले बाबा का भक्त हूँ ना, अनसुईया को अपना लिंग दिखाए हैं, रति ते ही मदाघूर ने बोले हैं ना, उसमें लिखा है भाई। यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ना ना आप ऐसा नहीं कर सकते भाई। नहीं, उन्होंने आरडी के साथ में गुदा मैथुन किया है, प्लीज ना यार, देखो आप ना किसी की धार्मिक भावना का, आप नहीं ऐसे करो, आप मेरी धार्मिक भावना को वो पहुंचा रहे हो, ठेस पहुंचा रहे हो भाई। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, भोलेनाथ ने गुदा मैथुन करके आरडी को मारा, उसकी हत्या की, उसका वध किया भाई। अपना सेंस यूज करो, भगवान कितना बुरा बोल रहा है भाई, भगवान कैसा क्या करे। आप अपना सेंस यूज करो, आप किसी की धार्मिक भावना को इस तरह टेस्ट पहुंचाओगे, मेरे को रोना आ रहा है भाई अंदर से। आड़ी मर गया वहां,
ये आदि कौन है? एक मिनट, ये मेरे आदि आदि भगवान शंकर का डार्लिंग था वो, भगवान शंकर की डार्लिंग था वो, उनकी किताब पीछे से पढ़ दिया भगवान शंकर ने। ऐसा कभी नहीं हुआ है शंकर जी। शिवरात्रि के दिन मैं, यार रुको, ये देखो मेरा नाम पढ़ो, तिवारी लिखा है, मैं ब्राह्मण हूँ सर, देख लो सर, आप लोग सबके सामने ये अभी हाथ में ना ये जल लेके एक छिड़कर ले, श्राप देता हूँ आज शिवरात्रि के दिन, भोले बाबा का भक्त तेरे को श्राप दे रहा, तू भी आडी बनेगा जा। और नहीं, अरे ऐसे कुछ नहीं होता, तुम नकली। नहीं नहीं, मैं श्राप दे दिया ना, दे दिया मैं श्राप ना, श्राप ये कलयुग में वर्क नहीं, नहीं आपने मेरी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा दिया भाई। मैं इतना प्यार कर, मेरे को लगा हर हर महादेव की, मैं इतना प्यार से हम लोग बात करेंगे दोनों भाई मिलके। एक मिनट, दूसरा भाई कौन? हाँ, ह्यूमन सर है, बात कर लीजिए, अर्पित सर है, डॉक्टर नो सर है, किसी से भी बात कर सकते हैं। अरे सब तो नास्तिक है, ये सब तो नास्तिक है, ये लॉजिक के आधार पर चलते, ये कोई देखते नहीं लॉजिक के सामने, इनको क्या पता लॉजिक से भी उत्तर भी की है, ये समझ नहीं लॉजिक है। लॉजिक से आस्तिक बात करते हैं? नहीं, लॉजिक से हटके भी एक चीज देखते हैं। अरे तुम नहीं समझ आ रहे हो यार, कैसे समझाऊं मैं यार, आप नहीं नहीं आप खुद एक नास्तिक हो, ठीक है, और मैं हूँ महादेव का भक्त, आप एक नास्तिक हो, आप इस बात से इनकार कर रहे हो। महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने मतलब उसको जो राक्षस था वो आड़ी, उसको मार डाला, आप इस बात से इनकार कर रहे हो। 12 माला जपा है, मैं 12 माला जपा है, 2-4 बार नहाया हमने, कैसे हमने नहीं, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि क्या क्या करा है हमने, समझे, हमने भगवान शंकर का लिंग देखा है भाई, खुद अपनी आंख से देखा है। चलो ये करे हो तो मैंने देखा, भगवान शंकर का लिंग देखे हो आप? आप भगवान शंकर का लिंग देखे हो? ब्रदर शिवलिंग मेरे घर पे है, दो थे, एक छोटा एक बड़ा था, एक ऊपर रखा एक नीचे रखा है। एक छोटा था एक बड़ा था, भगवान शिव का कौन सा था उसमें बताओ? चलो, एक कांच वाला साइड था और एक पत्थर का जो उसमें शेष नाग भी है। पत्थर वाला किसका था? देखो एक पत्थर था काला रंग का है, उसमें टीका लगा है, ऊपर मैंने रख रखा है पौधा। भगवान शंकर के लिंग में टीका लगा दिए, ये बताओ टीका लगा दिए यार? मेरी पूरी धार्मिक भावनाएं पूरी ठेस पहुंच चुकी हैं भाई, किंग भाई, प्यारे भाई, पूरे आपने ना, नहीं मैं महादेव का भक्त हूँ, आपने आपने मेरे भोलेनाथ के लिंग पे टीका लगाया, ये शिवलिंग लगाया, कलयुग है, कलयुग है, यही कलयुग है, घोर कलयुग करोगे तुम सब मिलके। मैं हाथ सही रहा, क्लियर सीरियस बोल रहा हूँ, आप लोग घोर कलयुग बनाओगे, आप समझ आ रहा है, तुम सब लोग बंटा करोगे इंसान को, इंसान के बचपन में शादी होगी, बचपन पर में बच्चे होंगे फिर आदमी घोर। अरे आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है आप बता दीजिए अंदाजे से, आपको साइंटिस्ट है ना? अरे अच्छा, साइंटिस्ट ऐसे बता सकते हैं यार, अंतर्यामी तो आप लोग होते हैं, हम थोड़ी ना होते हैं, बम बाबा नहीं है ना, हम तो ढाबा है। 6 साल की तो लग रही है, 5 या 6 साल उम्र मेरी उम्र 18 कितनी है? 3 है ना, 3 18 18 18 साल के हैं। समझता हूँ ब्रदर, सब समझता हूँ, समझ गया क्या होता है। हाँ कुछ नहीं समझते, आपकी उम्र, आपकी उम्र 38 साल है, सुनने में लगा है। किसकी? हुमन। अच्छा अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब की बताएं, डॉक्टर सर कौन नाम बताइए, डॉक्टर सर का डॉक्टर 009 इनका तो फोटो तक नहीं है, मैं कैसे पहचानूंगी किसके साथ फोटो? वो क्या है भाई, वहाँ पे देखो फोटो लगी, वो देखो बल्ब जैसी शक्ल है उनकी। मैं जादू करूं क्या उसके अंदर घुस के उनका जन्म तिथि जान जाऊं कुछ? अच्छा एक काम, एक बात बताओ, सुनो बोलो, अब मेरे को देखो यार, अब मैं सीरियसली बात करना चाह रहा हूँ ना, सुनो प्लीज मेरे प्यारे भाई, वो आपके घर में दो शिवलिंग है ना, एक बड़ा एक छोटा है, एक कांच वाला साइड है और एक टीका किसमें लगाए हो? टीका किसमें लगाए हो ये पूछना चाहता हूँ मैं। मेरे सर पे उसके शेष नाग नहीं होते, प्लास्टिक रंग का थोड़ा सा, मैं ऊपर साइड टीका लगा होता है, उसकी आंखें बोलते ना जिस, वो बना होता है। कौन से वाले शिवलिंग में लगाए हो, बड़े वाले की छोटे वाले में, ये पूछना चाहता हूँ। छोटा वाले शिवलिंग में टीका नहीं लगाते, बड़े वाले में टीका लगाते हैं, मम्मी ने लगाया, मैं नहीं लगाता। देखो मैं जल चढ़ाता हूँ बस, किसमें जल चढ़ाता हूँ? किसमें जल चढ़ाते हो शिवलिंग पे और किसमें? इसमें अरे गंगा जल भी चढ़ाते हो कभी?
गंगा जल चढ़ाया कभी? अरे नॉर्मल सी बात है सर, होती है, कमी होती है, ये धर्म है, तुम अधर्म ना बनाया। अच्छा, जल चढ़ाना धर्म है, लेकिन गंगा जल भी चढ़ाया जाता है ना शिवलिंग पे? हाँ बिल्कुल, मैं दूध चढ़ाता हूँ एक बार बस, ज्यादा किसी बात नहीं। अच्छा, उसको चरणामृत जो उसके उस पर ऊपर से बह के निकलता है उसको पी भी लेते हो? अरे हाँ, चरणामृत भी बना पीते, सही बोला आपने। आप मतलब क्या होती है, मैं जानता हूँ। सुन सर, अच्छा अच्छा हेलो। और हाँ 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 बोलते रहे। चंद्रामृत ऐसे ही बनता हाँ, तांबेश्वर आप जानते हैं, तांबेश्वर जहाँ पे भोलेनाथ की पूजा होती है। आप पहले बताइए, आप कौन से स्टेट से, यूपी या एमपी? मुंबई से हूँ। मुंबई से? अच्छा, मुंबई से। मैं यूपी फतेहपुर यहीं से हूँ। मैं तांबेश्वर आता हूँ, वहाँ से मास्क के बटन में जल चढ़ाने, और वहाँ पे इंसान की भक्ति देखे, लेट लेट के जाते हैं रात को। अब बताओ, उनको किसी बात का डर नहीं, ना कुत्ते से, ना ही वो घूमते, ना आदमी कि इंसान मार डाले, ना गाड़ी। लेट के हाँ, लेट के जाते हैं भाई। लेट के डायरेक्टली बताओ, एक 15 किलोमीटर दूर घर से, 15 किलोमीटर दूर लेटते लेटते जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। ये होती पावा। अच्छा? ये असली श्रद्धा आप करे हो? हाँ, मैं ट्राई भी नहीं किया, बस नहीं, क्योंकि आप नास्तिक आदमी हो ना, मेरे को लग रहा है। बट ये आप नास्तिक हो? नहीं, कुछ भी ना ना, तुम अपना धर्म बना, तुम अपना धर्म, तुम जय भीम बनाओ, हम जय श्री राम बनाएंगे, डन। अच्छा, या शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो? हाँ सर, कुछ बोल रहे थे डॉक्टर साहब। जय भोलेनाथ क्यों नहीं, जय श्री राम ही क्यों? हाँ हाँ बोलिए। अरे भाई, आप शिवलिंग की दूध चढ़ाते, पानी चढ़ाते, तो जय भोलेनाथ क्यों नहीं? तो नॉर्मल साथी बोलते हैं, जैसे जय श्री राम क्यों? अच्छा, दोनों तो अलग अलग सेक्टर के आ गए ना, एक शैव पंथी हो गया, एक वैष्णव पंथी हो गया, दोनों में कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? सबसे बड़ी लड़ाई शैव और वैष्णव में हुई है। अच्छा, शिव भक्तों को शिव दूत भी कहते हैं ना? मैं तो बस पूजा करना जानता हूँ, आप मुझसे क्या उल्टा बात करते हैं, इतना जानता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग उनको खत्म करना चाहते हैं, किसको खत्म करना चाहते हैं? कलयुग अच्छा है ना, कलयुग अच्छा ना, कलयुग में देखिए, कलयुग में आपकी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो सुरक्षित हैं, वो उनको कोई अच्छा नहीं बोल सकते। अरे सुनो तो सही मेरी भाई, वो सुरक्षित हैं, उन्हें पढ़ने का अधिकार है, उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार है, वो जॉब कर सकती हैं, वो पढ़कर पायलट बन सकती है, सेना में जा सकती हैं, अंतरिक्ष में जा सकती हैं। लेकिन जो सतयुग था ना, उसमें सतयुग में तो औरत के लिए कुछ मतलब नर्क था सतयुग, तो ये कलयुग है ना, आपकी माताओं के लिए, आपकी बहनों के लिए तो एक स्वर्ग है, सतयुग तो उनके लिए ये है, आपके लिए ये कलयुग है असल में, ये कलयुग है हम मर्दों के लिए, है ना? आप सतयुग को पॉइंट क्यों कर रहे हैं? सतयुग में ऐसा क्या हुआ? सतयुग में तो सब कुछ जो अनर्थ हो सकता था ना, जो आपका जो काल्पनिक सतयुग है ना, उसमें वो हर एक अनर्थ हुआ है जो नर्क में भी नहीं होता। कुछ नहीं, सतयुग में सबसे अच्छे काम होते थे, उल्टा ये बोलो आप, आपने अच्छा, गलत न्यूज़ पढ़ी। क्या अच्छा काम होता था कल सतयुग में? 0% बुराई, 100% सच्चाई होती थी। आप नहीं, अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताइए, शिव के भक्त जो परम भक्त थे वो सतयुग में रहते थे ना? आजकल तो सब नकली हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, 100% रहते होंगे। हाँ देखिए, सतयुग के जो शिव भक्त थे ना, उनके उनके बारे में खाने का थोड़ा सा विवरण है, वो मैं कर दूं जरा? हाँ रुकिए जरा, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, आप भगवान से कब को नहीं मानते, कब से? एक ईयर से? अरे हम माने कैसे, देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा है, हम मान तो लें, ये देखिए कैसे लिखा है यहाँ पे, शिव दूती को अंडकोश खाने का आदेश दिया जा रहा है। एक बार शिव जी ने दावत की, दावत समाप्त हो गई, उसके बाद वहां शिव दूती आई, उसे वहां आने में देर हो गई थी, इधर शिव जी की भोजन सामग्री समाप्त हो गई थी, तो उन्होंने शिव दूती को आदेश दिया। ये पद्म पुराण सृष्टि खंड में है।
अन्यों ने जिनका स्वाद नहीं लिया है। अरे सुन लो सुन लो सुन लो भाई मेरे भाई सुन लो मेरे भाई पहले सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए, अन्यों ने जिसका मतलब दूसरों ने जिसका स्वाद नहीं लिया है भोजन के लिए मैं देता हूं। मेरी नाभि के नीचे दो गोल फल के समान आलंब सहित पेस्तंद्रिय सहित दो वृषण हैं, उनको खाओ, इस भोज्य वस्तु से पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। तो भैया सतयुग में शिव के दूतों को यह खाने को मिलता था, अंडकोश। टेस्ट किए हैं कभी आपने? एक गैर सत्री को भोजन के स्थान पर अंडकोश वृषण व लिंग खाने का आदेश देना शंकर जी के लिए शोभा की बात है या कलंक की बात है, यह निर्णय करना आप पर है। जी अनम्यूट भैया, तंत्र मंत्र मानते हो क्या किंग भाई? तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब तंत्र मानते हो? तंत्र होता है पक्का? इंसान अघोर मानते हो? अघोर अघोरी होते हैं, मानते हैं उनको? हाँ हाँ बिल्कुल वो होते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है, उनके पास इतनी पावर। मैं आपको बहुत देर से ना सुन रहा हूँ, आपने मेरी जो धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाई, नास्तिक आदमी हो, ठीक है? मैं आपको बोले जा रहा हूँ कि भगवान शंकर ने हाड़ी का वध किया, आप मेरे भगवान शंकर के लिए आपने कहा कि नहीं उन्होंने नहीं किया। भाई उन्होंने गुदा मैथुन करके हाड़ी को मारा, आपने मना कर दिया, आपने मेरी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है। अब मैं आपको श्राप देने जा रहा हूँ, आप अघोर तंत्र मानते हो ना, देखो अब मैं आपको श्राप दूंगा सर। मेरा स्क्रीन शेयर अभी पावर अभी सब दिखेगी सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अमित जी जरा ख्याल से, उम्र कम है बच्चे की। हाँ जी हाँ जी हाँ भाई, ये देखो भाई, ये देखो अघोरी तंत्र, ठीक है? अब सुनो, अब मारो, सुनो, अब मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। झमकारी झमकारी चमकदार भूरी खंडा विखंडा, समझे? झमकारी झमकारी चमकदार भूरी खंडा विखंडा, तो घूमकरी घूम घुमैया ताही फटी केर मुंडी मूल करी गरल भावे आहा हानु की अति बड़ी बिड़ी, ए वीर जो भट संभवे भर महाधर्मेर आज्ञा। लो भाई मंत्र पढ़ दिया मैं, खत्म कहानी। ना ना कहानी खत्म, मंत्र पढ़ दिया मैं, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। रात का टाइम है, नहीं रात के टाइम मैंने घोरी मंत्र पढ़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे देखते जाना, अभी देखना क्या होगा। नास्तिक लोग हो तुम लोग यार, तुम लोग नास्तिक हो। अब मैं समझ गया, नहीं भगवान शंकर ने आड़ी को मारा कि नहीं मारा, सही से बताओ, तब ये मंत्र का प्रभाव तब छूटेगा, बताओ। मारा था ना महादेव ने आड़ी को? क्यों महादेव ने आड़ी को मारा था कि नहीं मारा था, ये बताओ, हाँ या ना बोलो बस। सुप्रीम कोर्ट चल के पूछते हैं सबूत लेके, ये साबित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट भाई यार, कहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए यार, यार क्या है भाई? नहीं 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 यार नहीं, तो फिर ये मंत्र मार दिया मैं, अब देखना क्या होता है फिर। अरे मैं जानता हूँ आप भी नास्तिक हो, आप भी नास्तिक नहीं है भाई, नास्तिक नहीं हम लोग भाई, तो आप नास्तिक हो। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाई, अब आप देखना क्या होगा आपके साथ, देखना। मैंने ना ह्यूमन डिस्टेंस के सारे वीडियो देखे, उनकी वीडियो से बातें लग रहा था कि इसका चले, मैं पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था वीडियो ने, मुझे लग रहा था। ओए देखो मतलब उनकी बातें आपको सच लगी, जब उनकी वीडियो को देखे तो उनकी बातों को सच आपको लगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी यार आप इतना सुना सर, हेलो, उनकी बात तो चला, उनके लॉजिक जब सुना मैंने तो मुझे रियल लगा कि हाँ तो सच हो सकता है, लेकिन फिर मैंने समझ लिया भगवान इनसे हट कर है, भगवान इनसे आगे, जो साइंस नहीं, भगवान इनसे आगे, भगवान इनसे आगे। ह्यूमन विद साइंस के किसी एक वीडियो के सामने भगवान टिक नहीं पाएगा यार, आप कहाँ की बात कर दिए यार आप। हाँ आपके जो भगवान है ना वो नहीं, सुन लो अब सुनो, आपके भगवान इतने दुर्बल इतने कमजोर है ना कि ह्यूमन विद साइंस के वीडियो के सामने टिक के दिखा दे, साइंस जर्नी वीडियो के सामने टिक के दिखा दे, रियलिस्ट आजाद का एक वीडियो के सामने टिक के दिखा दे यार वो लोग। अच्छा नहीं तो फिर मैं मार दिया हूँ यार वैसे भी मंत्र, तो अब देख लो आप अपना, देखो। अच्छा किंग जी, अब थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ना हम दूसरे लेवल में आते हैं, अभी तो हमारा ना चल रहा था ना थोड़ा सा आपसे मजाक कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर हमने देखा कि आपके अंदर सहन शक्ति है और आपके अंदर
समझने की भी गुंजाइश है, अब आप चेंज हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा असली बातों पे आते हैं। आप ब्रेन वॉश मत करना। हां हां ब्रेन वॉश मत करना। अरे ब्रेन वॉश करके बात कुछ भी कर। अरे मेरे भाई, हम कोई ब्रेन, अच्छा ब्रेन वॉश का मतलब क्या होता है? मतलब हां बताते सर, ब्रेन वॉश करने से ना सामने वाले को अपने बात, अपनी बातों में लाया जा सकता है उसको, समझ लो कुछ जो तुम चाहो वो मनवा। अच्छा, हमारी बातों में आकर आप, हमारी बातों में आकर आप कहीं किसी को कहीं दंगाई बन सकते हैं। 10% अरे नहीं बनाऊंगा आपको नास्तिक, हम नास्तिक नहीं बनाते, नास्तिक नहीं बनाते किसी को। आपकी बातें बहुत खतरनाक है, वीडियो जब देखा तो भाई मैं दो आधे देख के छोड़ दिया हूँ भाई, मैं समझे कितना खतरनाक है, समझ लो। अरे भाई न्यूक्लियर मिसाइल से ज्यादा तुम तो भाई, एक मिनट अगर वायरल हो गए बहुत चाहते हैं जिससे मिलियन क्लीन व्यू आ गया ना भाई, जितने भी को देख रहे हैं सब सब वही बन जाएंगे जो फोन, क्योंकि उनको दिमाग कंट्रोल नहीं होगा। तारीफ के लिए शुक्रिया सर, तारीफ, इतना इतने अच्छी तारीफ करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला मुझे आज तक सर। हेलो, तारीफ नहीं, आपने मिसाइल बना रखा है वीडियो के नाम पे, इंसान कभी मार जा सकता। अच्छा अच्छा भाई, तुम्हारे सारे टीम खतरनाक है भाई, एक तो संदीप महेश्वरी तक को तो रोस्ट कर दिया तुमने भाई, वो भी अच्छे कुत्ते थे, उनको रोस्ट कैसे कर दिया यार। हाँ, उसको रोस्ट करने की एक वजह थी, सिर्फ उसको रोस्ट करने की एक वजह थी, वो ठीक है अच्छे काम कर रहा था इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या था कि वो जिन चीजों से वो सब पैदा होता है उन्हें पुनर्जीवित कर रहा था, मतलब कि उसने ज्ञान को नकार कर उसने वेदों, गीता की, वेदों की और इन इन किताबों की महत्ता को ज्यादा महत्ता बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है बात, आप ज्ञान की बात कीजिए, अपने आप को क्रेडिट दे दीजिए, आप आपको ज्ञान की बात करें, आप कहें कि ये मैं, मेरा चिंतन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक किताब जो हम पढ़ चुके हैं और उस किताब को लोग पढ़ते भी नहीं है, खाली उसकी पूजा करते हैं, आप उनका बखान करना स्टार्ट कर दें तो फिर वो चीजें ना, जितना उन्होंने काम किया है ना, वो सब बेकार हो जाता है। हमारी किसी से कोई, सुनिए सुनिए, हम पहले सुन लीजिए किंग जी, हम सिर्फ यही इसलिए काम कर रहे हैं और इसीलिए हम जैसे आपका जो अशांत जी, सॉरी प्रशांत जी हैं, हमने उन पे भी वीडियो बनाया था, लाइव किया था, महेश्वरी पे भी किया था और आर्य समाजियों पे भी हम कर देते हैं, हम किसी पे भी कर सकते हैं, हमें ये नहीं है, हमें ये है कि वो उसकी उस बात का असर कितना गलत होगा, हम सिर्फ वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने एक वीडियो किया जिसमें उसने गलत बोला, सिर्फ उसी बात पे हमने बोला, उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं बोला ना। उन्होंने क्या गलत बोला, वेद की पावर आप क्या है सर, उनमें क्या क्या लिखा है जो अब हो रहा है वो पहले लिख दिया। वेद आपने देखे हैं, वेद आपने देखे हैं? देखा नहीं, बस उसके बारे में ये बहुत सुना हूँ, वेद में पहले सुना है ना, आपने सुना है सिर्फ किंग भाई मेरे, आपने सुना है, आपने देखा तक नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वेदों की महत्ता, वेदों की महत्ता जानते हैं आप, मुझसे सवाल कर रहे हैं आप, सुनी सुनाई बातों पर, मेरे पास चारों वेद पड़े हैं, मेरे पास चारों वेद हैं। वेद में ये लिखा नहीं कि साइंस के बारे में जो अब हो रहा है वो पहले लिख दिया गया वेद में, ऐसा नहीं लिखा है? नहीं नहीं लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा है भैया। आप कहां से सुन के आते हो पहले ही सब कुछ बता दिया गया है, आपने चेक किया? हाँ, सब ये तो बताते हैं तो आपने चेक किया कभी? अरे बहुत चेक करने कोशिश किया, पहले भी ये कंफर्म कर लो वेद की बुक होती कौन सी, वेद की बुक, हाँ बताए कौन सी होती, मुझे खुद ही नहीं पता, ऑनलाइन मैंने ढूंढा तो बहुत सारी वेद निकल आई, विष्णु पुराण में सोचा ऐसे कुछ ऑर्डर कर, लेकिन उनमें कोई समझ ही नहीं आया कौन सी बुक, आप ही रिकमेंड कर दीजिए मैं वही बुक पढ़ता हूँ। मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि हमने तो पढ़ा है, हमने तो अपना समय बर्बाद किया है। अच्छा मतलब आपने वेद पढ़ रखा है? हाँ, तब भी ना पढ़े चारों भाई। देखो मैं बताता हूँ, आई एम श्योर आप सब रोएंगे फ्यूचर में कि आपने ऐसा क्यों गलत किया, क्यों किया, ठीक है आप रिग्रेट करेंगे, मैं आता हूँ, ठीक है बाय बाय। मैंने फ्यूचर बता दिया है, मेरा नाम अजय सिंह है, मैं रहता हूँ ये, ठीक है
आप मेरे बारे में सोचेंगे फ्यूचर में, ठीक है? चलता हूँ। आज रात में क्या होगा वो देखना, अब जाओ। नहीं नहीं डराए मत अमित जी, बच्चा है। बाय। अच्छा हनुमान चालीसा का पाठ कर लियो भैया, चले गए वो। अच्छा सबसे पहले तो इसे झटका ये लगा, पहले तो इसने देखा कि अरे अमित तिवारी, वाह ये तो खैर मतलब धर्म की बात करेगा, जय जयकारे लगवा दिया आपने, उस पर अत्याचार कर दिया। अच्छा एक बात और है, ये बच्चे लोग कैसे भटक रहे हैं यूट्यूब पर देखकर, एक बार भी चेक करने की कोशिश नहीं करते कि आपने कोई दावा सुन लिया है, कोई कोई बखान सुन लिया है और आपने वो मान लिया है। मेरे भाई मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं और आप डरते हैं कि हम आपको कहीं चेंज ना कर दें या फिर आपका आपका आपको क्या बोलते हैं धर्म से डगमगा ना दें, आपका ईमान ना डगमगा जाए जो भी आपने अपनी बना रखी है थ्योरी। यही तो है, बालू की भीत पे खड़ा है ना ये सब। हाँ अब इस बच्चे को भी यही डर था कि आपकी टीम स्ट्रोंग है और आप लोग किसी को भी, मेरा वीडियो पूरा नहीं देख पाया वो कह रहा था कि मैं आपका वीडियो पूरा नहीं देख पाया, बीच में छोड़ना पड़ा। ये बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, इसलिए हमारे वीडियो बड़े मुश्किल से चलते हैं क्योंकि वो पूरा नहीं झेल पाते, जबकि हम इतना बच बचा के और इतना सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं। तो वही तर्क जो चीज़ है ना वो यही है, वो दिमाग के ढक्कन खोलती है। असल में आप लोगों को डर है कि धर्म के बिना आप चल नहीं सकते, आप अपने आप को अपाहिज आप लोगों ने बना दिया है। और हम ये कहते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप इस धर्म नाम की बैसाखी को फेंक दीजिए, आप तंदुरुस्त हैं, आप चल ही नहीं सकते, आप दौड़ सकते हैं और इतना आगे तक दौड़ सकते हैं, मतलब कि दौड़ते दौड़ते आप दुनिया से आगे निकल सकते हैं। हमारे यहाँ पे इतनी प्रतिभा भी है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम बैसाखियों से चिपटे हुए हैं। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा धैर्य रखकर समझे चीजों को।